जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाहों की हत्या करने वाले बयान पर आज सोमवार को सफाई देते हुए कहा है कि राज्यपाल होने के नाते मुझे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावना ऐसी ही है जैसा मैंने कहा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कई नेता और बड़े नौकरशाह यहाँ जम्मू कश्मीर के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने जो बयान दिया है वो वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुस्से और हताश में दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए हत्याकांड पर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उन्हें सोनभद्र नहीं जाने दिया गया, जिसके खिलाफ प्रियंका ने धरना दिया। प्रियंका के इस एक्शन की कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर तारीफ की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रियंका ने इससे उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिला। उन्होंने लिखा कि सोनभद्र में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर प्रियंका गांधी जिस तरह एक्शन में आएंगे उसे मुझे इंदिरा गांधी की याद आ गई है। बेलची मामले के दौरान जिस तरह इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर पहुंची थी, ये कुछ वैसा ही था। प्रियंका गांधी पूरे जोश के साथ वहां पर पहुंची और उन्होंने गिरफ्तारी को भी हंसकर स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान का रविवार दोपहर निधन हो गया। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद रामविलास पासवान के घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला रामविलास पासवान के घर पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पासवान 12 जुलाई की रात दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के बाद उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। रविवार दोपहर उन्होंने आखिरी सांस ली। खबर पंजाब के लुधियाना से, जहां की अमेजन इंडिया के गोदाम में लूट की वारदात हुई है। अज्ञात लुटेरों ने 12 लाख की नकदी लूट ली है। ये लूट गिल रोड स्थित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के गोदाम में हुई है। बताया जा रहा है कि 10 हथियारबंद लुटेरों ने पहले वहां के सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया, फिर गोदाम से 12 लाख रुपए से भरा सेफ कार में लाकर फरार हो गए। कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली जनता दल सेक्युलर कांग्रेस महागठबंधन सरकार के लिए सोमवार को अग्नि परीक्षा का दिन है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, जहां कुमार स्वामी सरकार को बहुमत साबित करना है। इसके पहले कर्नाटक के संकट मोचक माने जाने वाले मंत्री डीके शिवकुमार ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए आखिरी दांव चल दिया है। बागी विधायकों को राजी करने के लिए सीएम कुमार स्वामी के स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार उनका नाम इस पद के लिए दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से ये मांग की जा रही है कि इस पद पर इस बार किसी भारतीय के नाम का समर्थन करें, जिसके बाद राजन की संभावना काफी मजबूत हो गई है। IMF के MD पद की दौड़ में राजन के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, डेविड कैमरून सरकार में चांसलर रह चुके जॉर्ज ओसबोर्न और नीदरलैंड के पूर्व वित्त मंत्री जेरोइन डिसेस ग्लोएम का नाम भी चल रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली मुलाकात हुई है। ट्रंप से मुलाकात के लिए इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाज और ISI चीफ असीम मुनीर के साथ अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहला मौका है जब वहां के प्रधानमंत्री के साथ ये दोनों प्रमुख सैन्य कमांडर व्हाइट हाउस गए हों। इससे अंदाजा लगता है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया में अलग थलग पड़ता पाकिस्तान अपना आर्थिक संकट कम करने के लिए कितनी बेचैनी में है। अमेरिका सैन्य मदद रुकने के बाद से पाकिस्तान अपने देश के अंदर भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हालात संभलने की संभावना अब खत्म होती जा रही है। विदेशी मुद्रा खत्म होने की ओर है। पाकिस्तान रुपए की हालत ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। आतंकवाद पर भारत के अभियान से दुनिया में पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से अलग थलग होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में नियम कर्मी की पिटाई को लेकर सुर्खियों में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजय वर्गीय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाई है। विजय वर्गीय का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा था कि आप चाहे किसी भी का वो बेटा क्यों ना हो, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान पर अब मध्य प्रदेश बीजेपी अनुशासन समिति के अध्यक्ष बाबू सिंह रघुवर
मंत्री ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने आकाश विजयवर्गीय को लेकर भी उदाहरण दिया होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया में तो ऐसी खबरें आई, लेकिन कोई तो हो जो कैमरे पर आकर ये कहे कि पीएम मोदी ने आकाश के बारे में ही कहा था। ईरान द्वारा जब्त किए गए ब्रिटेन के टैंकर पर तैनात भारतीय क्रू मेंबरों की सुरक्षित स्वदेश और वापसी सुनिश्चित करने के लिए उठती आवाजों के बीच रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस मसले पर गंभीरता से काम करेगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय की टीम 18 भारतीयों की जल्द रिहाई के लिए कार्य कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान में हमारा दूतावास इसे सुलझाने के लिए ईरानी अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सुरक्षा सेना की फिल्म खानदानी शफा खाना विवादों में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली के सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय बॉय ने हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर सूट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। डॉक्टर विजय ने टी सीरीज और फिल्म के डायरेक्टर को एक नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि इस फिल्म का निर्देशन शिल्पी दास गुप्ता ने ही किया है, वही फिल्म के प्रोड्यूसर्स टी सीरीज है। तो ये फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ओरियन न्यूज पर। दीजिए इजाजत।